ये कहाँ है? प्राइड ऑफ पंजाब। आया नहीं मैडम अब तक? गोपी ए? मैं खुद आज 20 मिनट लेट चल रही हूँ, आया क्यों ना अब तक? आई डोंट नो। तुम लोग काम को जरा सीरियसली लो, इससे मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, लेट किस खुशी में आया है तू? ओ जी, घर के लिए सब्जी लेने चला गया था जी। रात को तो आप डेट छोड़ती है ना, तब तक सब्जी मंडी बंद हो जाती है, तो फिर बीवी की चार बातें सुननी पड़ती हैं। परसों तो मुझे एक देवी दिया था जी उसने, इसलिए मैं सोचा चलो अभी सब्जी ले चलता हूँ। बस इतना ही है, थोड़ी बासी खा लेंगे और क्या, इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है जी। रोज क्या है मैडम, रोज क्या है इसका? ये सब्जी लेता हुआ है, घर के काम कर रहा है मैडम यहाँ पे चौकी में। मुझे देखिए मैडम, चौकी एक बार आता हूँ, ओनली केस। पूरा फोकस मेरा केस पर होता है मैडम, घर के काम नहीं करता फिरता हूँ मैं इसकी तरह। ये आपके घर का बिजली का बिल मैंने भर दिया। मेरा घर, अरे मैडम पता नहीं। हाय, आइए आइए। मैडम राय, ऐश्वर्या राय या रीना राय? नहीं मैडम, मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में। Well, अगर हिंदी में राय है तो इंग्लिश में क्या है? अनियन, ओपिनियन या दिस वन? ये नहीं मैडम, आप समझी नहीं। एक्चुअली मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में, और मुझे है ना FIR लिखवानी है हिंदी में। अबे तो हम कौन सा फिरेंच में लिखने बैठे हैं या FIR? नहीं मैडम आप समझी नहीं। एक्चुअली ये जो हिंदी में है ना, वो मेरी तकिया कलाम है हिंदी में। और ये बार बार मैडम को आप समझी नहीं क्या बोल रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पर एक नंबर की बॉडम? मेरा मतलब है चार आना कम, मेरा मतलब है बेवकूफ है क्या? हाँ मतलब बेवकूफ तो मैं बन रहा हूँ मैडम, इसलिए मैडम मैं आपके पास मदद की गुहार लेकर आया हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए हिंदी में। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the। देखो जो भी समस्या का समंदर है उसे बह जाने दो, होठों तक जो बात आई है उसे कह जाने दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग घूम गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चिंगारती हथनी, मिर्च के साथ मिली लहसुन की चटनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरे पड़ोसी और उनकी बीवी के खिलाफ FIR लिखवानी है हिंदी में। ओहो, क्या कर दिया पड़ोसन ने? देख के मुस्कुराई नहीं या साथ में फिल्म जाने से मना कर दिया? बस इन्हीं सब बातों में खपरा है बुढ़ाऊ का दिमाग। अबे ऋतिक रोशन हो रहा है तू पड़ोसनों का, सेनोरीटा हो रही है पड़ोसने, सालसा कर रही है थारे सामने, स्पेनिश डांस कर रही है। कैरी ऑन। छोड़िए मैडम ये गोपी का कुछ नहीं है, रोज का मैडम ये सब्जी लेके घूम रहा है ये तो। मैडम आप केस पे गौर फरमाइए। अच्छा, ओ यस, ओके सर, गुड सर, योर दिस इज माय कमांड। एक टाइम टेबल लगा दे मारे लिए, उसे फॉलो कर लूंगी मैं, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी आज से। तुम्हें सरताज है तुम्हारे जीवन का। अबे किसके खिलाफ लिखानी है तेने FIR, बोल या तो निकल। मैडम बात यह है कि मेरे जो पड़ोसी है वो और उनकी बीवी रात को किसी बात पे झगड़ पड़ते हैं, बाद में उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और रात को ठीक 2:30 बजे वो लोग मेरे घर की डोरबेल बजाते और मुझसे राय मांगते हैं कि देखे भैया इस बात पे हमारी बहस हो गई है, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही हमें राय दीजिए कि हम क्या करें। अब मैडम मैं क्या राय दूं हिंदी में? हाँ मैडम,
जबकि मैडम मैंने उनसे कभी भी कहा नहीं कि आप मेरे पास आइए रात को 2:30 बजे और मुझसे राय मांगिए। मैडम मालूम है उनकी वजह से मेरे जो सुबह हिंदी का क्लास होता है ना उसमें मैं लेट हो जाता हूँ हिंदी में। तुम अब तक पढ़ते हो? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं अत्तरा डिग्री कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ हिंदी सिखाता हूँ हिंदी में। किस प्रकार की बहस हो रही है उनकी आपस में? अब मैडम देखिए कल की बात ले लीजिए, कल उन दोनों के बीच में बहस हो गई कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है हिंदी में। अब मैडम इस बात पे वो दोनों झगड़ पड़े, बहस शुरू हो गई। अब रात को 2:30 बजे उन्होंने मेरी डोरबेल बजाई और मुझसे राय पूछी कि देखिए भैया हमारी इस बात पे बहस हो रही है, इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है। अब इसमें मैं क्या राय दूं? अभी काला कौवा है सफेद कबूतर है तो ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, कुदरती चीजें, इसमें मैं क्या राय दूं मैडम हिंदी में? अरे बुलवाओ जरा। हाँ जी जी मम्मी जी। रात को मिडनाइट 2:00 3:00 एडवाइस सीकिंग पड़ोसी पड़ोसन ने। ओके। कुछ कह रहे हो? हंस रहा हूं हिंदी में। कब तक हम यूं ही अकेले बैठकर ये केला खाते रहेंगे? कब हमारी जिंदगी में कोई कनी आएगी भगवान? हाँ? कब हमसे कोई आकर कहेगी अजी सुनते हो खाना लेकर आई हो टिफिन में, खाना खा लो। अजी सुनते हो? पंडित जी। खाना लेकर आई हो टिफिन में, खाना खा लो, चलो लंच टाइम हो गया है। आज तो तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना ना, 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 ना। हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। टिंकू की मम्मी। टिंकू घना शरारती हो गया आजकल। टिंकू बिल्कुल तुम्हारे पर गया। टिंकू की मम्मी तुम्हारी तरह आंखें, तुम्हारे तरह हंसी, तुम्हारे तरह कान, तुम्हारे तरह गाल। ये लो टिंकू की मम्मी कुछ खा लो, पत्ती हो गई हो थोड़ी। टिंकू की मम्मी, टिंकू की मम्मी, ओ ले 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 ले। हेलो और खिला दो, हम तो खाते रहेंगे, तुम खा लो। टिंकू की मम्मी खा लो, इतनी पतली हो गई हो, खा लो खा ले। ओले ले ले ले, ओरे रे रे रे, इतनी प्यारी लग रही हो टिंकू की मम्मी। सर खा ले, ओले ले ले ले। सर नहीं, के हो रहा है सर यहाँ? यो केला फेस्टिवल। मम्मी जी मैं फाइल साइन करवाने आया था जी, इन्होंने मुझे जबरदस्ती केले गिरा दिए जी। जबरदस्ती नहीं गोपी, प्यार से खिला रहे थे हम तुझे केले। वो क्या है ना, तुझे देखकर हम अपने दादाजी की बड़ी याद आ रही थी। हाँ, और दादाजी को केले बहुत पसंद थे तो हम तुझे केले खिला रहे थे प्यार से। याद आती है तो इतने केले खिलाता कोई? प्यार से खिला रहे थे गोभी। अच्छा मुंह धो क्या, चल मुंह धो क्या गंदा आदमी। गोभी चल निकल, चल चल बाहर जा। गोभी बाहर टेबल पे टिफिन रखा हुआ है, जल्दी लेकर आ। सर वो जरा प्यार से इन्हें खिला रहे थे, इन्हें खाना नहीं आता। चल चल चल। अरे मुंह धो गया बे गंदा। सर सर उसको छोड़िए सर। हाँ, मैं लंच टाइम हो गया है, मैं घर से खाना लाती हूँ तो आज जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा ले आई, मतलब एक्स्ट्रा बना के। वो आप अकेले रहते हैं ना तो कब तक केले खा के गुजारा करेंगे? होम फूड सर। थैंक यू मिस चौटाला, अगर आप नहीं होती ना तो हम तो आज भूखे ही रह जाते। एनी टाइम सर। काफी गर्म है ये तो। आइए आइए।
फॉलो हिम। अरे अरे दादा जी, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं संभाल पाती हूँ अपने आप को। मॉम, शी इज द हस्बैंड इज द एंड ही इज द वाइफ इज द। नाम बोलिए अपने अपने। जी मैडम, हमारा नाम है डॉक्टर संजू सक्सेना। थर्मामीटर खराब है। नमस्ते मैडम, मैं हूँ अंजू, अंजू सक्सेना। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आप डॉक्टर हैं? जी मैडम, थर्मामीटर खराब है। अबे थर्मामीटर ना दिमाग खराब है तुम्हारा। एक आदमी के घर 2:30 बजे कौन सी राय लेने चल रहे हो तुम लोग? अपने पड़ोसी का तुमने जीना दूभर कर रखा है मियां बीवी ने, हैं? हाँ तो इसमें बुरा क्या है मैडम, थर्मामीटर खराब है। देखिए मैडम, हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कभी भी कोई फैसला लेने से पहले किसी तीसरे आदमी से सलाह जरूर ले लो। तो मैडम, हम अपने पिताजी की बात मानते हुए किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर चले जाते राय लेने के लिए। थर्मामीटर खराब है। यस मैडम, अब मैडम जहाँ हम रहते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना, उसके नीचे इनकी डिस्पेंसरी है मैडम। और डिस्पेंसरी के ऊपर जो फ्लोर है उस पर 2 फ्लैट हैं, है मैडम। एक फ्लैट में तो हम दोनों मियां बीबी रहते हैं और जो दूसरा फ्लैट है उसमें वो राय कुमार रहता है मैडम। एक हो गई मैं, दूसरे हो गई ये, तीसरा कौन? तीसरा वो राय कुमार। तो तीसरे से राय लेने हम राय कुमार के यहाँ चले जाते हैं। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। वेल यू आर डूइंग रॉन्ग इज द, उसकी लाइफ में हो गया है डिंग डोंग इज द। हाँ तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो अतर्रा डिग्री कॉलेज का हिंदी प्रोफेसर है बेचारा। अरे वो सुबह सुबह उन्हें काम पे जाना पड़ता है और तुम लोग रात को 2:30 बजे उनके घर पहुंच के घंटी बजा देते हो राय की राय लेने के लिए। अब ये बात तो गलत है ना? अरे देखिए भाई साहब, कोई गलत बात नहीं है, थर्मामीटर खराब है। देखिए क्या है कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आएगा ना। 2:30 बजे काम आ रहा है पड़ोसी तुम्हारे? ओह ये हैं, ऐसा कौन सा इतनी जो है भाईचारगी हो रही है उससे? वो परेशान हो रहा है, सो ना पा रहा बेचारा, तकलीफ में है, कंप्लेंट लिखाने आया था यहाँ पे। और ऐसी कौन सी बहसबाजी चल रही है यार मियाँ बीवी में जो एक थर्ड पर्सन की राय इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है रात बेरात। अब मैं क्या करूं मैडम, वैसे ना बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, भगवान की कसम सच्ची मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं मैडम, रात के 12 बजे के बाद ये घर आते हैं, हाँ फिर खाना खाते हैं, इतने में बच जाता है 1। उसके बाद मैं अपना जी हल्का करने के लिए दिन भर की सारी बातें जब इन्हें बताती हूँ। कहाँ? हॉल में या बेडरूम में? कैरी ऑन। हाँ तो ताऊ जी, बेडरूम में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं। ए देखिए भाई साहब, ना डिफेक्ट ना साइड इफेक्ट, थर्मामीटर खराब है। अब देखिए बात यह है कि बेडरूम में जाने से पहले ही हमारी बहस शुरू हो जाती है। अरे कल रात की बात ले लीजिए, हम दोनों में बहस शुरू हो गई कि 2 और 2 4 क्यों होते, 4 और 4 2 क्यों नहीं होते। अब बहस इस नौबत तक पहुंच गई कि किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर जाना पड़ा राय लेने के लिए। और मैडम पता है उसने हमें क्या राय दी? उसने कहा देखो 2 और 2 4 होते हैं, जबकि 4 और 4 2 नहीं होते। क्यों पता है मैडम? क्योंकि 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 6 3 नहीं होते। फिर क्या था मैडम, हम उसकी राय लेके घर चले गए और चैन से सुकून की नींद सो गए। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटिल चुटीला कुटिल कुटीला आइडिया आ रहा है। तू थारे बालों में तेल लगा के चुटिया बांधू फिर देगा आइडिया? अरे तो मेज के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, मतलब राय कुछ ऐसी, राय नहीं आइडिया कुछ ऐसा है मैडम कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर साहब जो है वो बेचारे रात को 12 बजे अपनी डिस्पेंसरी बंद करके घर आते हैं। अब तब तक भाभी जी का क्या होता है कि वो बोर हो जाती हैं घर पे, और जैसे ही ये घर पे आते हैं वो अपना सारा भड़ास भाभी जी निकाल देती हैं। अब बातों बातों में बहस हो जाती है, इसके लिए अभी राय के घर पे राय लेने पहुंच जाते हैं। तू बीमारी बता रहा है, इलाज बता बे।
या टोल्ड मी द पेपरमेंट ट्रीटमेंट या दिस वन। इलाज ये है कि मैडम डॉक्टर साहब को और भाभी जी को किसी छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मतलब कहीं शहर के बाहर निकलें, छुट्टी पर जाएं, ताकि डॉक्टर साहब अपना सारा टाइम भाभी जी को दे सकें। अब ऐसा होगा मैडम तो बहस नहीं होगी, और अगर बहस नहीं होगी तो राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सुन लिया क्या कह रहा है लौंडा है जी? भैया किसी बढ़िया वाली हॉलीडे डेस्टिनेशन पे चल निकलो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान वामान बांध के। आई सजेस्ट गोवा है भाई, मतलब बीच पे शैक में बैठ के अपना जो है गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स किंग फिश इन बटर गार्लिक के मजे लो, अपना जेट स्की वगैरह पे निकल लो, कनू चलाओ, अपना पैराग्लाइडिंग करो, अपना गाने वाने गाओ, एकदम शाम को जो है कैंडल लिट डिनर में गोवन म्यूजिक सुनते हो, ओफो केमिस्ट्री बनाओ, कुछ रोमांस जागेगा बढ़िया, कुछ रिलिव द मोमेंट्स पुराने अपने करो, तो बहस वहस ना होगी, मैटर सोल्व हो जाएगा है। आई थिंक मैडम यू आर एब्सोल्युटली राइट, थर्मामीटर खराब है। चलो डार्लिंग चलते हैं। तू भी जा गोवा जा। गोवा नहीं जी, मैं बुआ के पास जाऊंगा। बुआ कहाँ रहे वे? गोवा में। गोवा में बुआ? कट। Morning. Morning. Sir. Morning, Miss Chatala. Miss Chatala, thank you. क्यों सर? वो जो कल आपने हमारे लिए घर से खाना बनाकर लाया था ना, उसके लिए। मैडम आप सर के लिए खाना बनाया? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बना के अच्छी बात है। सर उसमें क्या बात है सर, वैसे भी आप केले खा के गुजारा करें और हम खाना खाएं, अच्छा नहीं लगता ना सर। हाँ ठीक है, आपने वैसे आज भी हम केले ही खाने वाले हैं। और सर आज भी मैं टिफिन लाई हूँ और उसमें एक्स्ट्रा होम फूड है सर। सर वाह वाह मैडम वाह, आपने आज तक हमारे लिए तो कभी खाना नहीं बनाया। yes! खाना उन लोगों के लिए बनाया जावे जो खाली पेट रहे फॉर अ चेंज, उन लोगों के लिए नहीं जो जन्म जन्मांतर के भूखे बिल्कुल ही जो है नींद में भी जिनका मुंह चला करे। मैडम 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 यार तुम फिर आ गए। हाँ हिंदी में। मैडम अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है हिंदी में। Well, why is the? What, दादाजी, why is the? मैडम की वजह से। Hi. मैडम आप कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने FIR लिखवाई थी ना हिंदी में, लेकिन आप मेरी FIR को सीरियसली ले ही नहीं रही हो हिंदी में। अबे और कितना करूं, मैंने बुलवाया तो था पड़ोसी पड़ोसन ने, समझाई उनको, और मैं सूली पे चढ़ा दूं मियां बीवी ने। मैडम ने उनको हनीमून पे भी भेज दिया है। मेरा मतलब है मैडम ने उनको गोवा जाने की सलाह भी दे दिया, ताकि वो वहां पे प्यार मोहब्बत से वक्त बिताएं और कोई बहस उनके बीच में हो ही ना। मैडम सलाह आपने दी और जेल में रहा हूं हिंदी में। ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड इज द व्हाट हैपेंड इज द दादाजी। मैडम अब की बार बोलो है ना 2:30 बजे नहीं 3 बजे मेरे घर पे आए, डोरबेल बजाई और मुझसे राय मांगने लगे। मैडम आपने उनको गोवा जाने के लिए कहा था ना,
हाँ, तो ये बात पे उन दोनों की बहस हो गई, झगड़ा हो गया और मेरे घर पे आए और मुझसे राय मांगने लगे कि कहने लगे कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं गोवा हवाई जहाज से जाऊँ और ये चाहती है कि गोवा ट्रेन से जाए। अब मैडम वो लोग मुझसे राय मांग रहे हैं, अब इसमें मैं क्या राय दूं मैडम। अब ये गोवा जो उनको जाने हवाई जहाज में या तो ट्रेन में, वो तो उनके बजट पे डिपेंड करता है ना, हिंदी में। अब चाहे वो चलते जाए, मुझे क्या हिंदी में। वेल मॉम, व्हाट इज द बात इज द, इसकी तो लग गई है व्हाट इज द। बात तो उन दोनों मियां बीवी की लगेगी, जो हमारे समझाने के बावजूद भी होशियारी दिखा रहे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.